हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ ऑली बोर्ड के SSCN रेलवे चैनल पे। आज अपन यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि आपका जो NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम होना है वो कहाँ होगा, क्या आपके होम टाउन में होगा, या जिस रीज़न से आपने फॉर्म भरा है, जो आपका RRB है, क्या आपका एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पे होगा। तो इसी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपको पता है थोड़ी देर पहले ही आपका लेवल 4 और लेवल 6 का जो CBT 2 का एग्ज़ाम होना है उसकी डेट आ चुकी है, और सबको पता है डेट कब आई है, 9th और 10th मई को आपका ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी पे बात करते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, क्योंकि CBT 1 तो आपने अपने होम टाउन से दिया था, ठीक है, और सभी का लगभग पूरे इंडिया में हुआ था पेपर, लेकिन अब आपका जो CBT 2 है कहाँ पे होगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो ये तो आज वाली नोटिस हो गई आपकी, जो 12 अप्रैल को आई है। ठीक है, 12 अप्रैल की नोटिस, और इस पे क्या है आपका सिंपल सा डेट बोला गया है कि 9th एंड 10th मई को आपका लेवल 4 और लेवल 6 वाला जो है उसका एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और अभी आपका जो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ लेवल है, इसका अभी कोई भी इसमें डेट निश्चित नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर 9 से 10 मई तक में ये आपका केवल लेवल 4 और लेवल 6 है, तो अगले 5, 6 दिन या 10 दिन तक तो एग्जाम नहीं है, क्योंकि अगले 5, 6 या 10 दिन में एग्जाम होता तो लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 की डेट भी इसी नोटिस में आ जाती। यानी कि कम से कम समझ लीजिए कि लास्ट मई तक में होने का चांस है कि आपका एग्जाम 25-30 मई के बाद ही होगा, जितना मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी तो फिर रेलवे के ऊपर है कब कराएगी। तो ये चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो पहली चीज़ तो ये है कि भैया पढ़ना शुरू कर दो, है ना। 27-28 दिन बचे हुए हैं तुम्हारे पास, और इन 27-28 दिनों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये होती है कि आपको लगाने हैं मॉक्स, जितने ज़्यादा हो सकें आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाइए, और ऑली बोर्ड्स के मॉक्स से बेहतरीन मॉक मुझे नहीं लगता मार्केट में कहीं अवेलेबल है। सबसे बेहतरीन कंटेंट, सबसे बेहतरीन लेवल, अच्छा लेवल जो आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करेगा आपके RRB NTPC CBT 2 के लिए, तो आपको प्रेफर करना है ऑली बोर्ड मॉक्स। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट के लिए, फॉर ग्रेटेस्ट डिस्काउंट, आपको इस्तेमाल करना है कोड सौरभ का। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट इस मॉक में मिलेगा, 35% का। ठीक है, 35% की आपको छूट मिलेगी, तो प्रेफर करिए ऑली बोर्ड मॉक्स। और अब बात करते हैं सेंटर कहाँ पे होगा। देखिए, नोटिस की तो बात हो गई, एक नोटिस आपको याद है कि एक नोटिस आपकी RRB बिलासपुर वाले वेबसाइट पे आई थी, और जिस नोटिस की डेट थी 10/3/2022, है ना, ये 10 मार्च की नोटिस है, और ये आपका बिलासपुर वाले बोर्ड पे आई हुई नोटिस है। इसमें अगर आप देखें तो जब इन्फॉर्म किया गया था आपके एग्जाम के बारे में और रिजल्ट के बारे में, ये सारी चीजें कि 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड विद पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो वही किया है जो आपका लेटेस्ट अभी थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया है। लगभग 20 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। आप अगर यहाँ पे एक पॉइंट देखें, ये फोर्थ वाला जो आपका पॉइंट है, इस फोर्थ पॉइंट को देखें, RRB वाइज सेकेंड स्टेज CBT। ठीक है, यहीं से आपको पता चलेगा कि आपका पेपर कहाँ होना है। RRB वाइज सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 1 RRB एकोमोडेट इन अ सिंगल शिफ्ट विच शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो क्या बोला है कि RRB वाइज सेकेंड स्टेज CBT होगा सारे पे लेवल के लिए, सारे कैंडिडेट्स को कोशिश किया जाएगा कि एक ही शिफ्ट में उनका एग्जाम ले लिया जाए, यानी कि सारे कैंडिडेट जो एक ही RRB के हैं उनका एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन लेने की कोशिश की जाएगी, ताकि नॉर्मलाइजेशन कम से कम हो सके। अब कुछ ऐसे RRB हैं जो कि बहुत ज्यादा कैपेसिटी वाले RRB हैं, जैसे वेस्ट बंगाल का RRB हो गया, आप अलाहाबाद RRB हो गया, चंडीगढ़ RRB हो गया, ये ऐसे RRB हैं जहां पे कैंडिडेटों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो जाए, सारे उस RRB के कैंडिडेट का एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाए, मुश्किल है। तो वेयर एवर सिंगल शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, है ना, तो यहाँ पे बात क्या किया है, कैपेसिटी, यानी कि ऑल ओवर इंडिया तो पेपर नहीं होना, क्योंकि अगर ऑल ओवर इंडिया पेपर होना होता तो यहाँ पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट तो था ही नहीं भाई। जिसका जो होम टाउन है उसको वही होम टाउन सेंटर दे दो, और उसी आप जोन का, उसी RRB का आप जो भी पे लेवल का एग्जाम करा रहे हो करा लो। यानी कि इन्होंने अगर इसमें बात करी है कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, वेयर एवर सिंगल शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट और अदरवाइज परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। ठीक है, इस पे वीडियो मैंने बनाया है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन क्या है आप सर्च कर लेना।
तो यहाँ पे सीधे से हमें यही पता चल रहा है कि अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर एक आरआरबी में ज्यादा कैंडिडेट हैं, जैसे मैंने बोला कि चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल आपका है ना, और अलाहाबाद वाला आरआरबी हो गया है ना, तो मुंबई जोन हो गया, ये सब ऐसे हैं जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा, और जिस और जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका होगा परसेंटाइल बेस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात की क्लैरिटी मिल गई है कि जो भी जोन से आपने फॉर्म भरा है, जैसे माना इलाहाबाद जोन से आप फॉर्म भरे हैं, तो आपका पेपर इलाहाबाद जोन में ही होना है। आप कहीं से भी रहो, आपके रेलवे बोर्ड में जहां पे आपका जोन है वहीं से लगभग लगभग सभी का पेपर होगा, और पूरी कोशिश रहेगी कि एक ही आरआरबी में जो सारे कैंडिडेट हैं, तो जिस पर्टिकुलर लेवल का एग्जाम हो रहा है वो एग्जाम एक ही शिफ्ट में निपट जाए। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि रेलवे बाद में अगर कुछ चेंज करे तो ये कुछ आपका कंबाइन कर दे, है ना, कुछ आपके जोन्स जो अगल बगल वाले जोन है, ठीक है, मान लीजिए कि आप बगल में दिल्ली भी है आपका, इलाहाबाद है ना, और चंडीगढ़ है, तो हो सकता है कि जब अगर इन्होंने ये अगर कोशिश करना चाहें कि भाई अगर हम कंबाइन कर दें 2 से 3 जोन, तो पेपर हमारा और आसानी से एक ही शिफ्ट में हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन मुझे जहां तक ये लग रहा है इनकी नोटिस से कि आपका जो भी आरआरबी था उसी आरआरबी से आपको पेपर देना है, मल्टीपल शिफ्ट उसी आरआरबी में आपकी हो सकती है, आप कहीं से भी हैं, आपको होम टाउन तो नहीं मिलना है एग्जाम सेंटर, ये निश्चित है, जो आपका आरआरबी है वही आपका एग्जाम सेंटर होगा। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपना चेक करिए आरआरबी क्या है ना, और जैसे ही आपका ये बात आ जाए, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आए, अभी से टिकट मत बुक करने लगना, ठीक है, टिकट टुकट नहीं करनी है आपको अभी से, बस आपको ये ध्यान देना है कि कैसे, जैसे ही आपका स्टेटस आउट होता है, जिस भी दिन स्टेटस आउट होता है 15 से 20 दिन पहले आ जाएगा स्टेटस, आना शुरू हो जाएगा एग्जाम का, तो जैसे ही आपको सिटी पता चले कि आपके आरआरबी यानी उस जोन में जो शहर है उस शहर में कहाँ पे है आपका एग्जाम, किस तारीख को है, कितने बजे से है, उस हिसाब से फिर आप अपना ट्रेवल का तैयारी बनाइएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो होम टाउन आपका जहां तक है नहीं होने वाला है एग्जाम। ठीक है, चलिए, तो ये आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी, बाकी इन्होंने आगे भी नोटिस में कहा था कि मई 2022 में आपका जो है सेकेंड स्टेज सीबीटी होगा, सबसे पहले पे लेवल 6 की बात की गई थी, तो बिल्कुल लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जाम 9 और 10 मई को आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, सीबी और आरआरबी वाइज होगा, बिल्कुल इस तैयारी में रहें, तो अपना होम टाउन का चक्कर आप अभी छोड़ दें। ठीक है, चलिए, तो यही इंफॉर्मेशन थोड़ी सी देनी थी। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा सभी लोग, है ना, कि आपका कौन सा जोन है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तगड़ी सी, है ना, तो बढ़िया से प्रिपरेशन करते रहिए, और ऑलिव बोर्ड मॉक्स प्रेफर करिए, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं वाकई बोल रहा हूँ कि मार्केट में अवेलेबल सभी मॉक्स का अगर कोई बाप है तो वो ऑलिव बोर्ड मॉक्स है। ठीक है, तो आपको ये प्रेफर करना है, आपको परचेज करना है सौरभ कोड का यूज करके। ठीक है, सौरभ कूपन कोड का आप यूज करेंगे ना, ये कोड यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और आप ऑली बोर्ड ऐप से इस मॉक्स को परचेज कर सकते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवे चैनल को, ताकि आपके पास तक सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन आती रहे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।